हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो कल जो ड्रेस लाए थे वो मैंने पहन लिए और सौरभ अभी सो रखे हैं। मैं बाहर का हाल देख के आता हूँ। तो गाइस, टाइमिंग तो बिल्कुल रेगुलर ही हो चुकी है, अब मैं आपसे आने के बाद ही मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मैं उठा हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, लेट हो गया बिकॉज रात को मैंने दो वीडियो एडिट की थी, एक वीडियो शूट की थी आर्ट वाले चैनल के लिए, अब वो एडिट करूंगा, तैयार होता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद एडिट करेंगे। तो आज का व्लॉग शायद पीयूष ने स्टार्ट किया है, मैं तो नींद में था, होपफुली सही किया होगा। तो अभी मेरा तो खाना हो चुका है, लंच वगैरह पूरी फैमिली अभी कर रही है, पीयूष अभी स्कूल से आया नहीं है, सोनू भैया वहाँ है। आप अंदर क्यों बैठे हो? मेरा फोटो खींचने का मन कर रहा था तो मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे लगा दिया अंदर ही। काफी टेस्टी चाय हो रही है क्योंकि मैंने बनाई है। ओरियो लेता हूँ, ओरियो लेता हूँ, वो ओरियो यहीं देख रहा हूँ। सो जाके साथ में फोटो खिंचाएगी लड़की, उधर देखो, बुलाइए उसको, बुलाइए, ओलू ओलू देखो ली, आजो लो 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 लो, बुला 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 बुला, ओरी आजा 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 आजा, उधर देखना जी, बस स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं, ओलू आगे भाई, मेरा टेडी बियर है ये। मेरे को ना अपनी बाइक से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, जब कोई चीज़ हम लेते हैं ना मेहनत करके, इसीलिए मैं फोटोज़ खींचता रहता हूँ उसकी, खुद भी खिंचाता रहता हूँ। फिलहाल तो अभी एक और बाइक लेने की प्लानिंग चल रही है साहिल के लिए, तो देखते कौन सी लेते हैं। मैं तो एडवेंचर सोच रहा था, अभी तो बस वेट है पीयूष के आने का, दो बज चुके हैं तो वो आने ही वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है, जो भी करना है। तो अभी का सीन ऐसे है कि पीयूष स्कूल से आ चुका है और सोनू भैया ने उसको बोला कि सौरदा गए हैं घूमने के लिए तेरे को छोड़ के, तो देखते हैं उसको क्या रिएक्शन रहता है। वो मुझे ढूंढ रहा है फिलहाल अभी स्टूडियो में कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो दिखाता हूँ चुपके से एक बार, छत पे ही है शायद। दिमाग तो बहुत है यार इसमें, बहुत ज्यादा दिमाग है यार, इसको पागल बनाना इतना इजी नहीं है सोनू भैया, इसको पागल बनाना इजी नहीं है। ये दिमाग लगाता है कि बाइक खड़ी है, कपड़े हैं या फिर कैमरा है, लैपटॉप ऑन हो रखा है, ऐसे थोड़ी जाओगे, सब दिमाग लगाता है ये। मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया, मैं इसको पागल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये पागल बनता नहीं है। तो हमारा प्लान फेल हो चुका है, इसने मेरे को ढूंढ ही लिया, मैं इसके पीछे छुप गया था ये जो टंकी है ना, बट स्टिल फिर भी इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो कैसा लगा आज नई ड्रेस में स्कूल में जाके, कोई पसंद आई? कोई पसंद आई नहीं आई, जिंदगी झंड हो गई, लड़के अलग रूम में बैठते हैं, अलग रूम में बैठते हैं। अरे और डालना था, डालूंगा डालूंगा, गधे मैडम में भी देखते हैं, मैडम देखती है, अरे मजाक है यार, नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा, मजाक है पीयूष, नहीं भाई ये नहीं, मैडम देखती है, और की कह रही थी मेरे बेटा ने की वीडियो देखते है, कह रही थी एक मैडम कहां है। वैसे जो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में मतलब मास्क डाल के रहना पड़ता है पूरा दिन मास्क डाल के, पूरा दिन बिल्कुल हटाना ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? हो रही है, हो रही है। एक बेंच पे कितने लोग बैठते हैं? एक बेंच पे एक ही बैठते हैं, फिर कैसे बातचीत, बोर नहीं होता है? बोर नहीं होता, किसी के कागज उठा के मारो पता ही नहीं चलेगा। गाइस, ये सब जो भी था ये थोड़ा बहुत मजाक था, इसको सीरियसली मत लेना, पीयूष और मैं हम ऐसी मजाक करते रहते हैं, ठीक है, खासकर मैडम है, हाँ मैडम भी देखते हैं इसकी, इसको शर्म आएगी। तो बाइक पे तो कहीं जा नहीं सकते, अभी हम पैदल पैदल ही निकलने वाले हैं, एंड ओरियो को भी साथ में ले जा रहे हैं, और घर पे कोई नहीं तो मुझे ताला लगाना पड़ेगा। चाबी आप लेके जा रहे हो क्या? ठीक है, मम्मी को दे देना, आज तो ओरियो के मजे हो गए, वो भी साथ में जा रहे हैं, आगे मत चल, साथ में चल ले, क्या है भेड़, चल कोई नहीं, ओरियो को आज भेड़ से मिला देंगे। तो सामने काफी सारी भेड़ है, तो ओरियो का रिएक्शन देखते हैं, भेड़ों को देख के कैसा रहता है। ओरियो आपकी बहुत सारी आंटी है वहाँ पे, ये भी भेड़ी लगता है, ये व्हाइट भेड़ लगता है, ये इसकी भी भेड़ जैसे ही बाल हैं, और उनके पास मत लेके जा, और इसे हाय टू योर आंटीज, ओ डर रही है, डर रही है वो, भाई एक लात मारे ना ये इधर जाके गिरेगा, सच्ची में व्हाइट भेड़ लग रहा है, ओए ओए सॉरी डर गई। हम बस ऐसे ही निकल गए हैं, थोड़ा सा ऐसे चक्कर लगा के वापिस आ जाएंगे घर पे, घर पे भी क्या ही करेंगे, थोड़ा बहुत घूमना भी ठीक है। तो गाइस आगे बहुत सारे कुत्ते हैं, तो हमको डर लग रहा है, ऊपर खड़े हैं सारे, ऊपर 1 2 3 4 कुत्ते, सात आठ कुत्ते, सात आठ हैं, क्या करना है वापिस? अरे कुछ नहीं होता चलो ना, अरे कुछ नहीं होता चलो, डरा देंगे, चलो पीयूष डरा देगा, हाय 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 भाई कूद ना जाए कहीं नीचे। जब भी ओरियो को घुमाने ले जाते हैं ना किसी गली वगैरह में,
तो बस यही प्रे करते हैं कि इस गली में हमको कोई डॉग ना मिले, इस गली में डॉग ना मिले, क्योंकि इतनी मुश्किल से बचा बचा के इसको लेके जाना पड़ता है, कभी गोद में उठाना पड़ता है। बस ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है ओरियो को ले जाने में। तो ओरियो का पट्टा वहाँ रख दिया है, तो ये उछल उछल के उसको लेने की कोशिश कर रहा है, बट ये ले नहीं पाएगा। पड़े रहने दे, ले लेगा, आप ले लेगा भाई। ओ भाई, ओ भाई, ओ ओ उतार दिया ऐसे ऐसे करके, ओ ले गया, ओए गिरा दिया। तो गाइस जो ये कपड़ा है ना, ये मम्मी जी ने खुद सिल रखा है, खुद बना रखा है। मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक के लिए बनवा लूँ मम्मी से। ये इनको कपड़े पहना दिए, बिल्कुल सही फिटिंग का है। तो देखो अब हमारी नई नवेली मशीन, नई नवेली दुल्हन। क्या, कौन सी गेम है? माइनक्राफ्ट है। क्यों है? क्यों खेलने दो ना, क्या हो रहा है आपको? देख लो दादाजी, कल आप जा रहे हो। क्या कहूँ मैं, मैंने कितनी बार बोल दिया, मानता तो नहीं हो। मानता तो नहीं है, फिर लगाओ एक दो। क्या कहूँ यार, फिर मैं यार अब क्या कहूँ पीछे भी आप उसके पापा हो या वो आपका पापा है, ये मुझे ये बताओ। आप मुंह ऐसे बना रहे हो जैसे कि पता नहीं क्या है ना, मुंह ऐसे बना रहे हो आप, और वो अपनी नजर ही नहीं हटा रहा वहाँ से। क्या होता है माइनक्राफ्ट, बताइए मुझे क्या होता है माइनक्राफ्ट? आपकी समझ से बाहर है। तो बात ऐसी है, कल चाचा जी जा रहे हैं, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब चाचा जी आए थे तब इसने थोड़ा बहुत गेम खेलना छोड़ दिया था, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, बट अब फिर से वही चालू हो गया इसका गेम वाला सिस्टम। तो अभी खाना पीना खा के सब ऊपर आ चुके हैं, एंड चाचा जी तैयारी होगी आपकी जाने की? क्यों जा रहे हो आप, तो कहते नहीं जाऊँगा। अभी वही है ना, चाची और पीयूष के छोटा भाई नकुल वहीं पर गाँव में है, तो चाचा जी कह रहे मुझे भी जाना ही पड़ेगा, जब वो यहाँ आएंगे तभी मैं आ सकता हूँ। लास्ट ट्रिप पे हम गए थे रोहतक, तो मेरा गोप्रो का माइक खराब गया था, इसलिए अब हम बाइक राइड पे नहीं जा सकते। जब तक मेरा माइक नहीं आता तो मुझे दिल्ली जाके जाना पड़ेगा, या जल्दी से मुझे ऑनलाइन देखता हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रिप पे हम जा पाएंगे। इसलिए मैं आज भी नहीं गए हम बाइक लेके, ऐसे ही पैदल पैदल घूम के आगे थोड़ा बहुत। बट हमारे ना प्लान्स इतने सारे हैं दूर दूर जाने के बाइक में, तो काफ़ी एक्साइटेड है हम। तुम क्या कर रहे हो? ये कार के शोरूम में बात की थी, उनको कॉल करके पूछा था कि हमारी कार कब आ रही है, तुमने इतनी टाइम लेट कर दिया, 10 दिन लेट कर दिया अभी तक आपने, मैंने तो वीडियो में बोल दिया ये वगैरह वगैरह बोला। मैंने कहा यहाँ हम यहीं से बुक करा लेते, कह रहे अब हम क्या कर सकते हैं, चलो हमने बुकिंग करा ली, क्या कर सकते हैं, अब जब आएगी तभी आएगी। पोपट हुई गवा। ट्रिप से पहले मेरा ना एक बार दिल्ली चक्कर लग जाता ना, मैं सारा सामान उठा लाता, अपना राइडिंग से रिलेटेड, अपने कैमरे से रिलेटेड सारा सामान उठा लाता, उसके बाद राइड करते आराम से, क्या पता ड्रोन भी ले आता मैं। ठीक है बाय, मिलते हैं सुबह। बाय मत बोला करो, मैं वापस आ रहा। गुड नाइट। गेट बंद मत करना, मैं खाना लेने आऊंगा नीचे। सबके जाते ही इतना शांत क्यों हो जाती है लड़की? सो गया। तो अभी 11:30 बज चुके हैं और मैंने एडिटिंग भी कंप्लीट कर लिया, मुझे भूख लग रही है, तो मैं खाना लेके आता हूँ, उसके बाद ड्राइंग करेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज प्रैक्टिस करते हैं, आज की रात प्रैक्टिस की रात होगी, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गए मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया, ओनली ड्राइंग बनाता, प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो आज की रात प्रैक्टिस की रात होगी, प्रैक्टिस की रात। यहाँ तो गाइस ठंडी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठंड जा चुकी है, देखो मैं बाहर आ गया हूँ, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। गेट के लिए मैंने बोला था कि खुला रखना, खुला ही होगा। कौन है, कोई है तो नहीं? डर लग रहा है नीचे जाने में, नीचे कोई है तो नहीं? लाइट्स ऑन करो। ओली उठ गई लड़की। तो खाना तो मैं ले आया, सब्जी थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो मैं प्लेट में ही डाल ली। किचन की लाइट बंद करनी भूल गया, तो जाता हूँ लाइट बंद करके आता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2 घंटे मैंने प्रैक्टिस की है, और फिलहाल मैं सोता हूँ बिकॉज काफी नींद आ रही है, मैं प्रैक्टिस करते करते ना पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा देर तक करूंगा, 2-3 घंटे 3-4 घंटे करूंगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काम तो मैं डेली करता हूँ लेट तक, बट मैं यूजली दिखाता नहीं हूँ प्रैक्टिस करना, ड्राइंग वगैरह बनाना ज़्यादातर। आज व्लॉग काफ़ी छोटा हो गया था तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं, तो हाँ एक्चुअल रीज़न यही है, अदरवाइज दिन में बनता है ना, तो फिर मैं एंड करके एडिट कर लेता हूँ उसी को, बट आज छोटा बना तो मैंने आपको दिखा भी दिया। चलो।